दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमके सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग भी कुशल ही होंगे। आज दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट पर बात करने जा रहा हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आपसे आग्रह पूर्वक कहना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी ये समझ पाएंगे कि मोटा मोटी एक रेमेडीज बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। ये हनीमेन साहब के द्वारा जाचा परखा दवा इसको माना गया है और इस दवा का नाम है कैल्केरिया कार्ब। तो इसी के साथ दोस्तों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं और अपने फ्रेंड्स कलीग्स निगेवियर और सभी जगह इसको शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को अवश्य प्रेस करें, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिलता रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैल्केरिया कार्ब। माने यूँ समझ लीजिए जो पैर के अंगूठा से लेकर के हेड तक एक ही दवा भिन्न भिन्न जगहों पर काम करता है, भिन्न भिन्न रोगों पर काम करता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रेमेडीज माना गया है काफ़ी। तो दोस्तों अब चलते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। एक्चुअल दोस्तों यह दवा जो है यह पॉलीक्रिस रेमेडी है। पॉलीक्रिस डेट मीन्स बहुत सारे रोगों पर जो दवा का पकड़ होता है, एक दवा अनेकों रोगों पर पकड़ है, वही पॉलीक्रिस रेमेडीज ई है कैल्केरिया कार्ब एवं एंटीसोरिक रेमेडीज भी। अब एंटीसोरिक रेमेडीज कैल्केरिया कार्ब तो है ही, साथ में कई दवा है जैसे सल्फर हो गया, लाइको हो गया, इस टाइप से एंटीसोरिक मेडिसिन यह है। इसका पकड़ काफ़ी अच्छा है, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। तो दोस्तों इसके पेशेंट जो है, इसका पहला सिम्टम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, इसको ध्यानपूर्वक सुने। फैटी फ्लेवर और फेयरनेस। तो दोस्तों माने मोटा, थुलथुला और गोरा, इसका मुख्यतः सिम्टम्स। इसके बच्चे जो हैं काफ़ी बिक पाया जाते हैं, ऐसे तो इस सभी के पर दवा काम करता है। बच्चे हो गए, एडल्ट्स हो गए, ओल्ड एज वाले हो गए, फीमेल हो गए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रेमेडी है। लेकिन हम अभी बच्चे पर बात कर रहे हैं। तो इसका बच्चा जो है थोड़ा पेट निकला रहेगा, थुलथुला रहेगा, लेकिन हाथ पैर और गर्दन ये सब पतला रहेगा, माथा थोड़ा बड़ा रहेगा। ई भी इसका मुख्य सिम्टम्स है दोस्तों। इस प्रकार से कैल्केरिया कार्ब के पेशेंट थोड़ा चिल्ली होगा, उसको जब जब बेड़ा चेंज होगा तो प्रभावित हो जाएगा। इसके बच्चे जो हैं थोड़ा इसका हड्डी कमज़ोर होता है, चाहे वो एडल्ट हो, बच्चे हो, किसी का भी थोड़ा इसका बीक होता है, जब जब बेड़ा चेंज होगा या प्रभावित हो जाएगा। इसका नाक से पानी आना, बार बार सर्दी खांसी होना, इम्यूनिटी इसका बिल्कुल कमज़ोर होगा, ऐसा नहीं है। यह खाना अच्छा खाता है, न्यूट्रिशन फूड भी लेता है, सब लेता है, लेकिन पूरे बॉडी में इसका प्रोग्रेस नहीं होता है, सिर्फ पेट निकल जाता है। तो पेट निकला निकला सा रहेगा, तो ये इसका है। दूसरी चीज़ है, इसके बच्चे क्या हैं, थोड़ा डरपोक टाइप के होंगे, थोड़ा थोड़ा सा माने थोड़ा सा हल्का आवाज़ से, हल्का हाथी से वो डर जाएंगे। कहीं मार्केट में जाएंगे तो वहाँ इनको कंपनी चाहिए, माने कोई ना कोई इनके इनको कुछ कहीं बोलना होगा तो ही चाहेंगे जो हमारे लोग ही, माँ पिता या कोई भी फ्रेंड्स बोले। ये अब थोड़ा बचना चाहता है इसका बच्चा, तो ये हो गया। इस टाइप से दोस्तों इसके बच्चे में ऐसा भी है, इसका कंस्टिपेशन बहुत रहता है, खाना बहुत खाता है, इसको बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। दो दिन, चार दिन, पाँच दिन तक यह कंस्टिपेशन में रहता है, इसको बाथरूम जाने की इच्छा नहीं होता है, फिर भी खुश रहता है। तो ये मुख्यतः बच्चों के लिए, और बच्चा खाते जाता है उसका अच्छा प्रोग्रेस नहीं होता, इसका हड्डी भी कमज़ोर होता है कैल्केरिया कार्ब का। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम चलते हैं महिलाओं के तरफ, यंग गर्ल्स के तरफ, जो अभी स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में है, बहुत कम समय में ही स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट हैं उनको एम्स मेंस का प्रॉब्लम हो जाता है, या तो बहुत अधिक मात्रा में आता है और थोड़ा सा घबराहट रहता है, तो उस कंडीशन में भी रेगुलर मेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा दवा माना गया है। दूसरी चीज़ है ये, यह दवा लिकोरिया पर भी इसका काफ़ी अच्छा पकड़ है, जो महिलाएं या बच्ची जो है स्कूल गोइंग गर्ल्स है उसके लिए लिकोरिया पर भी ये मेडिसिन का काफ़ी अच्छा पकड़ है, तो वो भी दोस्तों इससे काफ़ी अच्छा सुधार होता है। तीसरी चीज़ है, ये इसके एडल्ट्स जो भी हैं या जो महिलाएं हैं, जेंट्स हैं,
उनको कब्ज का बहुत शिकायत रहता है, बारंबार उनको यह लगता है उल्टा खट्टा ढेकार होता है, खाना खाएं पेट अफड़ गया, पेट फूल गया, तो उस कंडीशन में भी कैल्केरिया कार्ब वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज दोस्तों, काफ़ी अच्छा पकड़ है कैल्केरिया कार्ब का। इवन कह लीजिए एक दवा और अनेक प्रकार के रोगों पर इसका पकड़ है। उसके बाद दोस्तों नोजल पेलिप्स का भी यह काफ़ी अच्छा पकड़ है, जो नाक में मांस जो बढ़ जाता है, नजल पोलिप्स इसको कहा जाता है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा। श्वसन नली पर भी इसका काफ़ी अच्छा पकड़ है, पेट पर है, जॉइंट्स पेन पर है, शुगर जिनका है उसमें भी काफ़ी अच्छा पकड़ है, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रेमेडी माना गया है। पूरे शरीर में ड्रॉप्सी कंडीशन हो जाए, पेट में पूरे बॉडी में सोइलिंग आ जाए, उस कंडीशन में भी यह दवा का काफ़ी अच्छा रोल है। और हाँ, वेदर चेंज होने के बाद चाहे वो एडल्ट हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है, इसका रोगी थोड़ा चिड़चिड़ा होता। हाँ, इसका एडल्ट्स जो होते हैं, चाहे वो महिला हो या जो पेशेंट हो, एडल्ट हो या जो बच्चे हो, कोई भी काम करेगा तो बहुत जल्दी थक जाएगा, पूरा पसीना पसीना आ जाएगा, तो उसमें भी इसका काफ़ी इस दवा का रोल है। कोई भी काम करने पर पजल हो जाएगा, एकदम टायर्ड हो जाएगा, लगेगा जो बहुत बड़ा इसके साथ ये हो गया है, तो उस कंडीशन में भी कैल्केरिया कार्ब का बहुत अच्छा रोल रहा है दोस्तों। इस टाइप से और हेडेक हो गया, इसका हेडेक जो है यंग गर्ल है, स्कूल गर्ल हैं या महिलाएँ हैं, उनमें हेडेक माथा बड़ी भारी भारी रहेगा, तो उस कंडीशन में भी माथा बहुत दर्द करेगा, जैसे घर आए स्कूल से, कॉलेज से या कोई भी काम करके तो हेडेक होगा, तो उस पर भी इस दवा का काफ़ी अच्छा